हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ विंटर स्किन केयर रूटीन का सेकंड वीडियो जो है वो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनके थ्रू हम लोग विंटर स्किन केयर रूटीन किस तरह से कर सकते हैं। और ये वाला जो वीडियो है जिसमें आज मैं आपको बताऊँगी कि घर में अवेलेबल चीज़ों के थ्रू आप किस तरह से विंटर स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोज़ देख पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं करूँगी क्लिनजिंग। उसके लिए मैंने जो रॉ मिल्क है वो ले लिया है और इसे मैं एक कॉटन पैड की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और मेरे फेस को क्लीन कर लूँगी। इससे जो भी डर्ट है स्किन का वो इजीली निकल जाएगा। आप इसकी जगह फेस वॉश भी कर सकते हैं या फिर आप ऑयल की हेल्प से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। और ये थोड़ा मैसी हो जाता है गाइस, तो प्लीज उसे माइंड मत कीजिएगा। एंड मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ अभी लिपस्टिक अप्लाई किया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी मेरे फेस पर अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे फेस वैसे भी वॉश करना पड़ता, सो अप्लाई करने का कोई फायदा भी नहीं था। जस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है। तो क्लिंजिंग के बाद अब मैं करूँगी स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग के लिए मैंने लिया है शुगर, और शुगर में मैं मिक्स करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल। तो मैं ये जो है कोकोनट ऑयल इसमें मिक्स कर रही हूँ। शुगर जो है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है स्क्रबिंग में, और जो हमारे स्किन का मॉइस्चराइजर लेवल है वो भी बना रहेगा इसके लिए, इसके थ्रू। तो इससे हम लोग करेंगे स्क्रबिंग। शुगर जो है वो बहुत अच्छी होती है स्क्रबिंग के लिए, बस आपको ये याद रखना है कि जो शुगर आप यूज़ कर रहे हैं वो छोटे दाने वाली होना चाहिए, मतलब बारीक शुगर वो होना चाहिए। जो मोटी शुगर है वो आपको हर्ट भी कर सकती है आपकी स्किन को, सो आपको छोटे दाने वाली शुगर लेना है। अब मैं एक नैपकिन की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूंगी। शुगर स्क्रब विंटर्स में आपके स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज रखता है, सो वो विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप चावल के थ्रू भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, चावल का को दरदरा पीस लीजिए, उसके थ्रू आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, आप कॉफ़ी के थ्रू स्क्रबिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मसूर की दाल होती है उसे पीस कर और मसूर की दाल के साथ भी स्क्रबिंग कर सकते हैं। सो स्क्रबिंग के बाद मैं करने वाली हूँ फेस पैक अप्लाई। उसके लिए मैं ले रही हूँ कर्ड या दही, तो मैंने दही जो है वो ले लिया है, और दही के साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ हनी या फिर आप शहद भी बोल सकते हैं। तो जो मेरा पैक है वो ऑलरेडी बन गया है और मैं इसे जस्ट अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। हनी जो है वो बेस्ट है अभी मॉइस्चराइज़र जो है, आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज रखेगा और साथ ही आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। और जो दही होता है वो भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, स्किन को वाइट करने में हेल्प करता है, स्किन का जो कलर है उसको लाइट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपके विंटर्स में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। सो जस्ट मैं इसे इस तरह से मसाज करते हुए और कुछ टाइम के लिए अपने फेस पर रहने दूंगी जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। सो
गाइस मैं इसे 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पर रहने दूंगी और ड्राई होने दूंगी, और ये जब ड्राई हो जाएगा तो मैं फेस वॉश करके और आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, सो आ गई हूँ मैं फेस वॉश करके एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फेस वॉश तो कर लिया बट मेरा लिपस्टिक नहीं निकला, तो यस, मैंने लिपस्टिक जो है वो निकल गया था बट मैंने वापस से अप्लाई कर लिया है, तो इसलिए लिपस्टिक एज इट इज है। तो अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, बिकॉज वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज है, बट फिर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ अभी ग्लिसरीन ऑन माय फेस एंड मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ गुलाब जल के साथ। तो थोड़ा सा काफ़ी है बिकॉज बहुत चिपचिपा होता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो ग्लिसरीन का जो बनाया था उसमें बताया था। तो मैं इसे डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ और जो गुलाब जल है या रोज़ वाटर है वो मैं ऊपर से स्प्रे करके इसे जस्ट मिक्स कर लूँगी। तो नाइट टाइम में इसे अप्लाई करें, अभी मैं सिर्फ नाइट टाइम है तो मुझे सोना रहेगा तो मैं इसे अप्लाई कर सकती हूँ अभी एंड जस्ट रोज़ वाटर मैं स्प्रे कर लेती हूँ और बस हो गया। और ये जो लिपस्टिक है अब मैं निकाल दूंगी, तो अभी मैं सिर्फ इसे अप्लाई कर लेती हूँ और इसे मैं ओवरनाइट रहने दूंगी, मॉर्निंग में मैं इसे वॉश कर लूंगी और जो मेरी स्किन है बहुत ही स्मूथ स्मूथ सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। सो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं एंड बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी जो स्टेप्स हैं वो हैं और विंटर्स में बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए एंड आई एम श्योर कि आप इसे ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो पर आकर मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो जो कि है विंटर स्किन केयर रूटीन पर एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरी सोशल मीडिया लिंक्स पर जो कि आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अदर लिंक्स भी हैं जो मेरी वीडियो के, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।